दिया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और मैं आपका प्रोटेक्शन भी इस पे चाहूंगा। एक तरफ तो हमारी सरकार केवल मेक इन इंडिया कैंपेन की बात कर रही है और हर जगह सरकार मेक इन इंडिया पे ध्यान दिया जा रहा है, पर हमारे ब्यूरोक्रेसी का यह हाल है कि हमारे मेक इन इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कैंपेन को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं आपका ध्यान, ये तीन टेंडर है जो मैं आपको, आप अगर आज्ञा देंगे तो मैं पटल पे भी रखूंगा। इसमें अगर भारत में कोई एक्सरे का मैन्युफैक्चरर है और वह भारत सरकार को अपना, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री को अपना सामान बेचना चाहता है, तो उसको अमेरिका से एफडीए अप्रूवल लेने की जरूरत है। और जब तक भारत का मैन्युफैक्चरर अमेरिका से एफडीए अप्रूवल नहीं लेगा, तब तक ना वह भारत में सामान अपना बेच नहीं सकता। और इस बात में मैंने डिफेंस मिनिस्टर को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को मैंने इस बात पे चिट्ठी भी लिखी। बहुत दुख की बात है कि दो महीने में मेरा कोई जवाब नहीं आया। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा कि जो भारतीय उद्योगपति है, जो भारत में सामान बनाते हैं, उनको भारत में बेचने के लिए कम से कम भारत के मानक जरूरी होने चाहिए। उनको अमेरिका जाके वहां से मानक परमिशन ले और तब भारत में वो सामान बेचे। इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जिसका आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा कि इस नियम को कैंसिल किया जाए और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत में, चाहे वह डिफेंस हो, चाहे वह हेल्थ सेक्टर हो, उसमें सामान बेचने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद।